हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग विद योरसेल्फ। दोस्तों, दिवाली होम डेकोरेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेकोर आइटम है आकाश कंदील, और उसकी शॉपिंग करते वक्त किसी की डिजाइन अच्छी लगती है तो उसका कलर पसंद नहीं आता, और किसी का कलर पसंद आता है तो उसकी डिजाइन अच्छी नहीं लगती, और अगर दोनों पसंद आ जाए तो हमारा कंदील ही आउट ऑफ बजट हो जाता है। अगर आप भी इस सबसे परेशान हो तो डोंट वरी, मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बाजार जैसा आकाश कंदील घर पे बनाने का सबसे आसान तरीका। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। आकाश कंदील का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 14 सेंटीमीटर की 16 स्टिक्स, इसे हम छोटी स्टिक्स बोलेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट 24 सेंटीमीटर की 4 स्टिक्स, इसे हम बड़ी स्टिक्स बोलेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर की 8 स्टिक्स, इसे हम मीडियम स्टिक्स बोलेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब छोटी 2 स्टिक्स लीजिए और इस तरह से पकड़कर उसे उलन की हेल्प से टाइटली बांध के गांठ मार दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट तीसरी छोटी स्टिक्स को सामने की साइड इस तरह से पकड़कर उसे भी उलन की हेल्प से टाइटली बांध लीजिए। सेम इसी प्रोसेस से फोर्थ स्टिक्स को भी नीचे की साइड दोनों तरफ टाइटली बांध लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये फ्रेम कुछ इस तरह से दिखेगी। सेम इसी प्रोसेस से छोटी स्टिक्स की 4 फ्रेम बना लीजिए। सेम इसी प्रोसेस से बड़ी स्टिक्स की भी 1 फ्रेम तैयार कर लीजिए। अब छोटी फ्रेम लीजिए और उस पे मीडियम साइज की स्टिक को चारों कॉर्नर पे उलन की हेल्प से टाइटली बांध लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बड़ी फ्रेम लीजिए और उस पे इस स्ट्रक्चर को इस तरह से रख दीजिए और चारों कॉर्नर पे उलन की हेल्प से टाइटली बांध लीजिए। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर के स्ट्रक्चर की तरह एक और स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए और उसे नीचे की साइड चारों कॉर्नर पे उलन की हेल्प से टाइटली बांध लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब कार्डबोर्ड की 8 पट्टियां कट कर लीजिए, जिसमें 4 पट्टियां 14 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर हाइट की हो और 4 पट्टियां 13 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर हाइट की हो। उसमें से 2 14 सेंटीमीटर की और 2 13 सेंटीमीटर की पट्टियाँ लीजिए। अब छोटी फ्रेम लीजिए और उस पर 14 सेंटीमीटर की पट्टी को अपोजिट साइड पे ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। अब 13 सेंटीमीटर की पट्टियों को बीच में ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। अब ये फ्रेम कुछ इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट आकाश कंदील का स्ट्रक्चर लीजिए और फ्रेम को ऊपर की साइड इस तरह से रखकर ग्लूगन की हेल्प से चारों तरफ स्टिक कर लीजिए। सेम इसी प्रोसेस से नीचे की साइड भी फ्रेम को ग्लूगन से स्टिक कर लीजिए। अब हमारा आकाश कंदील का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आप इस पे चाहो तो कलरफुल पेपर स्टिक कर सकते हो या फिर मेरी तरह कलरफुल फैब्रिक का यूज कर सकते हो। अब इस तरह की पट्टी कट कर लीजिए कि ये फ्रेम कवर हो जाए और चारों साइड से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए सिलाई के लिए। नेक्स्ट इस तरह का पैटर्न कट कर लीजिए कि ये विंडो कवर हो जाए और साइड से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए सिलाई के लिए। सेम इसी मेजरमेंट से 2 पट्टियाँ, 4 कलरफुल पीस के पैटर्न और 4 ग्रीन पीस के पैटर्न कट कर लीजिए। अब इस तरह के 4 पैटर्न्स को 1x1 रख के बीच में 3 जगह सिलाई कर लीजिए। सिलाई करने के बाद ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पैटर्न पे
पट्टी को इस तरह से रख दीजिए और सिलाई कर दीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम इसी प्रोसेस से दूसरा पैटर्न भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, एक पैटर्न को सीधा रख दीजिए और उस पे दूसरे पैटर्न को उल्टा रख दीजिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नीचे की साइड सिलाई कर दीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब कंदील के स्ट्रक्चर को लीजिए और उस पे फैब्रिक के स्ट्रक्चर को इस तरह से लगा दीजिए। अब दोनों साइड की पट्टी को फ्रेम से और साइड के जॉइंट को बैम्बू स्टिक से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए इस तरह की लेस को बीच में यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस तरह की 12 ग्रीन पट्टियाँ कट कर लीजिए। पट्टी की लेंथ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हाइट और 3 सेंटीमीटर लेंथ की पट्टी कट कर ली है। नेक्स्ट, पट्टी को कंदील के नीचे की साइड कार्डबोर्ड फ्रेम पे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ईच साइड 3 पट्टियाँ स्टिक कर ली है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कंदील के ऊपर की साइड मैंने उलन और लटकन की हेल्प से कुछ इस तरह का हुक तैयार कर लिया है ताकि हम कंदील को हैंग कर सके। अब लास्ट में इस तरह के पिंक टैसल को कंदील के ग्रीन पार्ट के ऊपर ग्लू गन से स्टिक कर लीजिए। इसी तरह बाजार जैसा आकाश कंदील घर पे ही तैयार हो गया। अब इसमें लाइट को छोड़ के आप इसे हैंग कर सकते हो। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो ताकि आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टार्टिंग विद योरसेल्फ।